नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऐप लॉक से फोटो वीडियो डिलीट हो गए हैं तो किस तरह से वापस ला जाते हैं। तो दोस्तों, आप जो है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐप लॉक यूज करते हैं, उसमें अपने पर्सनल फोटो वीडियो रखते हैं जिससे कोई देख ना पाए। तो दोस्तों, कभी ऐसा होता है कम से एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है, फिर जो है जितना फोटो वीडियो थे वो भी गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, लेकिन हमारे मोबाइल में वो रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, हमको दिखते नहीं हैं। तो किस तरह से हम उनको निकाल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आप यहाँ पर लिखिए ES फाइल एक्सप्लोरर, ये देखिए आ गया है। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है, ये देखिए ओपन करना है। फिर नॉर्मली ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, साइड पर तीन डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये जो है ऑप्शन दिखाई देगा, शो हिडन फाइल, तो इसको ऑन कर देना है, और इस शो आइकन इसको भी ऑन कर देना है, ये दोनों को ऑन कर देना है आपको। तो जैसे आप ऑन कर देंगे, देखिए यहाँ पर, उसके बाद आपको जाना है इसके अंदर, और दोस्तों जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरफ दिखाई देगा, तो आपको इंटरनल स्टोरेज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी फोल्डर दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको तीन डॉट पर क्लिक करना है साइड पे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको व्यू तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे, मीडियम डिटेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम डिटेल पर क्लिक करना है आपको, इस वाले पर, तो क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक फोल्डर आपको दिखाई देगा, DOM007B, इस तरह का कुछ है, इसमें आप देख लीजिए ये फोल्डर है .dom, ये हाइड था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिर दिखने लगा है। इसे ओपन करते हैं और ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ लिखा है डोंट रिमूव, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये जो फाइलें हमारी ऐप लॉक में थी तो उसने जो हाइड कर दी थी, यहाँ पर जो है मुझे शो करानी पड़ेंगी। शो कराने के लिए चलिए इसमें एक एक करके देखना पड़ेगा मुझे। तो ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं, तो ऊपर वाले इमेज पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए KB में कुछ साइज दिया है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये कोई फ़ोटो हो सकती है। तो अगर आपको लगे फ़ोटो, तो यहाँ पे क्लिक करके रेनेम पर क्लिक करिए और डॉट लगा के यहाँ पे आप लिख दीजिए JPG, इतना आपको लिखना है। जैसे आप लिखेंगे, आप देख सकते हैं फ़ोटो यहाँ पे दिखने लगी है। अब इस फ़ोटो को आप कॉपी करके अपने कहीं पर भी रख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह का आपको हर फोल्डर में देखना पड़ेगा बार बार जा कर के, क्योंकि जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसमें, तो आपको हर एक फोल्डर में जाके ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके और भी काफ़ी तरीके हैं, वो थोड़े और भी लंबे हैं, इसलिए से इसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आपको हर एक फोल्डर को खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इस फोल्डर पर, यहाँ पर देखते हैं वीडियो, वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए एक वीडियो भी दिया है जो कि 29 MB का है, यहाँ पर आप नीचे क्लिक करके रिनेम करके, यहाँ पर वीडियो है तो MP4 में होगा, तो डॉट लगा के MP4 कर देते हैं। जैसे MP4 करेंगे, आप देखेंगे ये बदल चुका है वीडियो में। तो इस तरह से आप दोस्तों ये यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद जो मैंने अभी आपको ले गए, तो वहाँ पर जाके एक बार देख लीजिए। दोस्तों, बैक करके डोंट रिमूव फोल्डर दिया है ना, इसको एक बार देख लीजिए आप, इसमें आपकी फाइल हैं भी या फिर परमानेंटली डिलीट हो गई हैं। दोस्तों, अगर पूरी तरह से डिलीट हो चुकी, तो उसका उपाय दूसरा है रिकवर करने का। तो यहाँ पे आपको कैसे देखना है, इसमें यहाँ पे आपको टच करना है और डिलीट पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिलीट नहीं करना है यहाँ पे देखने के लिए साइज। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो साइज यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम साइज लगे, तो आप सोचिए कि इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं 29 MB साइज है, इसका मतलब फ़ोटो वीडियो हमारे इसमें हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको डिलीट नहीं करना है, इसे कैंसिल कर देना है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपका इससे काम नहीं बन रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा।